Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ठाकुर जी, उनका नाम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी है। ये साधारण कर्म नहीं, कुछ कुछ लोगों का धारणा है
ये भक्ति करने के लिए कौन आते हैं? कभी जिसको पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं था, खाना पीना मिला ही नहीं, खाना पीना मिला ही नहीं, पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए वही लोग क्या करते, सब छोड़ छाड़ करके सब हवा में जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, इसलिए हमारे श्री बिल्लो मंगल ठाकुर जी हैं, वो कहते हैं, बोले नहीं ऐसे बात नहीं, बोले साध्य माधी न चिंता भगवती सर करे कर्क साहसी। वो कहते हैं अगर जीवन में राधा कृष्ण का प्रेम अगर एक बूंद किसकी आस्वादन का भी नहीं, बोले एक बूंद राधा कृष्ण का भक्ति रस को कोई आस्वादन कर ले, पृथ्वी का जितने सारे वैभव, पृथ्वी का जितने सारे संपत्ति ऐश्वर्य उसको सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए वो कहते हैं साध्वी माधी बनत भवती सरकरे करत सासी। कहते हैं सरकरे, सरकरे सरकरा करते जो बहुत मीठा है, बोले हे सरकरे तू तो कर्कश हो गया, कर्कश मतलब तू कड़वा हो गया हैं। कहते द्राक्षा न द्राक्षती, द्राक्षा होता है अंगूर का जो रस होता है, वो बोले द्राक्षा तेरे तरफ में और कोई देखी रहा नहीं, इसलिए अमृत मृतमसी, बोले अमृत तू मर जा, तू मर जा, बोले क्यों, बोले तेरे तरफ में और कोई देखी रहा नहीं, बोले धरा धरा मृत। इसलिए वहां पर बताए अगर राधा कृष्ण का भक्ति रस अगर कोई आस्वादन करे, दुनिया की जितने आनंद उसको सामने सब फीकी पड़ जाते, सारी दुनिया की आनंद उसको सामने अति तुच्छ उसको सामने हो जाती है अगर कोई भक्ति रस को कोई आस्वादन करते। इसलिए देखो हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कौन थे, उसी समय में नवाब का हाँ उससे नवाब का सनातन गोस्वामी से प्राइम मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी तो कसा कसा धक्के थे, हम तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी नौकरी छोड़ने के लिए कौन सा नौकरी, अभी देखना प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कितनी लड़ाई हो रही है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मोदी तो है ही है, और भी कुछ लोग देख रहे हैं, हमें भी चांस, राहुल गांधी देख रहा है और मायावती देख रही है, ममता देख रही है, इसलिए सबके सबको हैं सबके सब प्राइम मिनिस्टर बने, कभी कितनी लड़ाई झगड़ा हो गई कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा है? लेकिन उसी समय वो प्राइम मिनिस्टर थे और इतने बड़े पद को उन्होंने त्याग दिया, ऐसे नहीं रिश्वत दे करके, रिश्वत दे करके वो पद को त्याग दिया, बोले भैया ये पद मेरे छूट जाए और मैं वृंदावन में जाओ भगवान की भजन करो भक्ति करो हैं, और इतने भजन किए, हम ठाकुर को दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर उनको दर्शन करने आते, ठाकुर दर्शन करने ही नहीं आते थे, इतने बड़ी बड़ी ये सब के सब संत हो गए हैं, इतने महान महान ये सब के सब संत हो गए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर आज के जिनके जन्म तिथि है, ये भी राजा के थे, कृष्णा अंदर इसकी पिताजी का नाम था, इसलिए ये राजा घर के बच्चे थे, राजा के लड़का थे, लेकिन जब महाप्रभु का भक्ति में कृष्ण भक्ति के रस इनके प्राप्त हुई, उन्हें राजपद राजा की एक बेटा जो भविष्य में राजा बनने वाला, लेकिन उन्होंने वो पद को त्याग दिया, अब त्याग दे करके वृंदावन में आए और इतने भजन उन्होंने किया जो सोच भी नहीं सकते, इतने उन्होंने साधन भजन किया है, बड़ी कठोर साधन भजन किया है। इसलिए आज उनकी जन्मतिथि है, इसलिए हमारे कुछ हमारे से भक्त लोग हैं, उसको थोड़ी थोड़ी उनकी एक शिक्षा के ऊपर में, एक एक जीवन चरित्र के ऊपर में ये कुछ कुछ आपको ऊपर प्रकाश डालेंगे, थोड़ी थोड़ी बोलेंगे, ठीक है, और बोलेगा और आप लोग ना एक एक जैसे बहुत सारी कथा है ना, कथा में एक एक पॉइंट में क्या मैंने शिक्षा दिया है, हम लोगों को हमें क्या शिक्षा दिया है, एक एक पॉइंट के ऊपर में पूरा जीवन चरित्र नहीं, उनका एक एक विषय को लेना और एक विषय के ऊपर में उसमें क्या शिक्षा है ये चीज को बोले। देखो हमारे जो ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए ना, अभी हम लोग बोल रहे थे ना, हाँ जिसको कोई पैसा कमाने का धंधा नहीं मिला, कोई काम छोड़ छाड़ के भजन के लिए, ये सब बच्चे लोग सब अच्छे अच्छे करते होते हैं, अच्छे अच्छे करते।
जनार्दन प्रभु पिता माता एक ही बेटा था, एक बेटा, और ये वृंदावन में पढ़ने के लिए आए। क्या पढ़ने के लिए आए थे? सीएस पढ़ने के लिए वृंदावन में आए थे, लास्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन संतों की आशीर्वाद हो गई, संतों की कथा सुने, भक्ति सुने, तो सुनने सब एक पिता एक बेटा। अब तो भारतीय लोग आपको पता होगा इसका तो पांच पांच बेटे छह छह बेटे हो ना, एक बेटे को सहज में कोई साथ बनने के लिए नहीं देता है, नहीं देता है। लेकिन जिसका एक बेटा हो बोलकर जाओ भजन कर दो, इतने आसानी बात नहीं। जो तपन प्रभु जी, तमाल कृष्ण जी प्रभु जी, ये भी पिता माता का एक ही बेटा है, इनके एक ही पिता माता का एक ही बेटा है। इन्होंने भी पढ़ाई किया, अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने सारे को छोड़ कर भजन किए। और हमारे जो प्रभु जो वृंदावन में जाते थे, दो भाई थे, लेकिन दो ये ना बक्सी जो बक्सिंग करते हैं, इसलिए ये लोग भी अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छी अच्छी लिखाई पढ़ाई की, लेकिन ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन के लिए आए, भक्ति करने के लिए आए। इसलिए साधारण भाग्य से कोई भक्ति करने नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं ना, अरे हमारे पिता माता की कोई सेवा करते हैं, सब तो सोचते हैं ना, हम पिता माता बुजुर्ग होने पर उनको बच्चे ही भक्ति, उनको बुढ़ापा अवस्था में ये देखेंगे, सब तो यही सोचते हैं ना। लेकिन हमारे भागवत में बताए, जब कोई बच्चा सब छोड़ करके प्रभु का भजन करने के लिए चले जाते हैं, उसको जो पीछे काम रह जाती है, हमारे शास्त्र में बताया भगवान ने 33 करोड़ कर्म कांडी ब्राह्मण को भगवान नियुक्त किए हैं। जो व्यक्ति सब छोड़ करके भगवान की भजन करने के लिए चला जाएगा, ये पीछे जो काम रह जाएगी काम तुम्हारा है। कि संसार में जन्म लेने पर कुछ कर्तव्य होता है ना, पिता माता की सेवा करना, भाई बंधु इनकी सेवा करना, कुछ कर्तव्य रह जाते हैं। लेकिन भगवान ने 36 करोड़ देवा देव ब्राह्मण को नियुक्त करके रखी, इनका पीछे का काम सब कुछ करना। और एकादश स्कंध में बताया, जब कोई व्यक्ति भगवान की भजन करने के लिए, भक्ति के लिए आ जाए, हैं कहते हैं उनको जो छह जो ऋणी है, जगत में जन्म लेने पर छह ऋणी उसको चुकाना पड़ता है। क्या क्या ऋणी बोलो तो? और जोर से बोला, हाँ, और इसलिए कहते हैं छह ऋणी है उनकी, हाँ, बोले देवताओं का ऋणी है, ऋषियों का ऋणी है, पिता माता का ऋणी है, परिवार के ऋणी है, राजा ऋणी है, देव ऋणी, ये सब ऋणी को नियम है, जन्म लेने पर सब ऋणी उसको चुकाना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के शरण में आ जाए, भगवान की भक्ति में आ जाए, कहते उसका जितने ऋणी अपने आप सारे ऋणी से मुक्त हो जाते हैं, सब ऋणी से मुक्त हो जाते हैं। बोले क्यों? जो दुनिया जो ऋणी भगवान से लिया है, ये ठाकुर जी से सारा दुनिया ऋणी, ये ठाकुर जी से सारा दुनिया ऋणी के लिए। जब ठाकुर जी के शरण में आ जाते हैं ना, जितने सारे सबके सबसे ऋणी से मुक्त कर दे भैया, तुम सारे ऋणी से मुक्त हो गए। क्यों? हमारे प्रभु के शरण में तुमने चला गया। हम दुनिया प्रभु से शरण ऋणी लिए, सारा दुनिया ऋणी लिए किससे? ठाकुर जी से। ठाकुर के शरण में आगे मतलब सारे ऋणी से तुम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये चीज को मन के अंदर में दृढ़ विश्वास रखनी चाहिए। जब हम गुरु वैष्णव ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, कर ऋणी अपने आप, उससे हम अपने आप मुक्त हो गए, हमें किसी ऋणी की चुकाने का कोई जरूरत नहीं। उसको पीछे ठाकुर जी सब काम को ठाकुर जी अपने आप ठाकुर जी को देख लेते। इसलिए हमारे भक्त लोग ने सब आज नरोत्तम दास ठाकुर का जो आविर्भाव तिथि है, इन लोगों ने कुछ कुछ पढ़ करके आए, कुछ कुछ उनकी चरण में कथा बोलना, मतलब उनकी चरण में पुष्पांजलि देना, एक एक विषय पर बोल करके पुष्पांजलि देंगे। ठीक है, कौन बोलेगा पहले? सबसे पहले
कौन से कौन से विषय नहीं बोल सकते। अब माइक अब माइक एक मैया अरुण हरे गोविंदचंद्राय राधिकाय गदाल कृष्णाय कृष्णाय रघुनाथाय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। सबसे पहले अस्मदेव गुरुपाद पद्म परिव्राजक आचार्य गंगा स्वामी श्रीमन भक्त वेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी का सुखभय चरण कमलों में अनंत कोटि धन प्रणाम करते हुए उनके आदि को कृपा प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत आप सभी वैष्णव विष्णु सभी गुरु भाइयों को धन्यवाद प्रणाम। हम लोग गौड़ी संप्रदाय के हैं और महाप्रभु की शिक्षा को लेकर के हम अपने भजन साधन कर रहे हैं। कहते हैं कि महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखे संतुष्ट है गौ भगवान। कि महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं इस ब्रह्मांड में चाहे कोई भी ब्रह्मांड में हो सब वैराग्य सबके अंदर वैराग्य देखी जाती है। और इनमें कई ऐसे राजा महाराजा से लेकर के कई कितने बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हुए जो कि अपने सारे पद पदवियों को स्वरूप दामोदर जो कि मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु में और अभी भी गुरुदेव बोल रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद और गोस्वामी पाद जी हैं और भी मंत्री थे। तो इस प्रकार से जो नरोत्तम दास राय रामानंद जी गवर्नर सरकार थे। तो इस प्रकार से प्रताप गुरुदेव राजा थे राजा मान सिंह ये सब कौन है ये सब कोई छोटे मोटे तो है नहीं परंतु इन्होंने अपने भक्ति के लिए ये जो पद को तुच्छ इसीलिए कर दिया क्योंकि वैराग्य का मतलब क्या है वैराग्य मतलब कि अपने जीवन में कोई उत्तम जो रस है उस रस को प्राप्त करने के बाद जैसे कोई गुड़ खाया है उसको रसमलाई दे दिया गया अब उसको रसमलाई का स्वाद आने के बाद वो गुड़ के स्वाद को भूल जाता है स्वाभाविक रूप से। ठीक उसी प्रकार से जब राधा गोविंद के नित्य लीला की स्फूर्ति होने लग जाती है जब साधु गुरु वैष्णवों की कृपा से वो उस पर तत्व और रस तत्व को समझने लग जाता है उसके हृदय में आनंद की जो स्फूर्ति होने लग जाती है तब वो अपने आप में ही ये सब सुख को छोड़ देता है। सुख तो है ही सुख है इसीलिए तो हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की जड़ सुख है उसको कैसे त्याग कर देते हैं वो जड़ सुख भी उसके लिए दुख के कारण बन जाता है। उसके उदाहरण पे जैसे सवेरे हम मल त्याग करते हैं मल है शरीर का हिस्सा कभी हम अपने शरीर को काट के फेंक नहीं देते परंतु वो मल एक ऐसी स्थिति में हम त्याग करते हैं अगर उस स्थिति से हम उस चीज को त्याग नहीं करें तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा दुख का कारण बन जाएगा। तो वो स्थिति जब राधा गोविंद की जब लीला की स्फूर्ति होने लग जाती है उस स्थिति में वो उस प्रकार से शरीर को छोड़ देते हैं और जड़ सुख को छोड़ देते हैं जैसे वो आनंद की प्राप्ति के लिए सवेरे मल त्याग कर देते हैं और देखते भी नहीं हम लोग देखते भी नहीं उसको। ठीक इसी प्रकार से जो इतने बड़े बड़े जो संत आत्माएं हुए वे सब इसी प्रकार से त्याग किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी राजकुमार थे और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर इतनी दीनता थी जिस समय महाप्रभु चंद्रशेखर के घर पे वाराणसी में रुक रहे थे तब जब सनातन गोस्वामी अपने पदवी को छोड़ करके आए तो वहां पे उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक सन्यासी तो भिक्षुक है वो भिक्षा मांगते हैं परंतु वो खुद भिक्षा देने वाले होकर के भी वो जिस समय आए ना चंद्रशेखर के घर की जो कवाड़ थी उस कवाड़ में जो सांकल था उसको छूने में भी वो सकुचा गए। क्यों? क्योंकि मैं जवनों की दास बन करके आया हूँ। देखो कितने बड़े पदवी पर वो थे पर फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं जवन का दास हूँ और इस प्रकार से वो कभी छूते नहीं थे छू करके खटखटाए भी नहीं है महाप्रभु अंतर्यामी रूप में फिर उन्होंने किसको भेजा उनके भक्तों को भेजा कि तुम जाओ और वहां पे कोई फकीर आदमी है उसको लेकर के आओ। तो इस प्रकार से देखो कितनी दीनता थी पर हम लोगों के अंदर क्या दीनता है हम लोग
गुरु जी के आकर के सीधा चरण स्पर्श कर देते हैं। हम लोग कभी गिरिराज जी जाते हैं दान घाटी पे, सीधा जाकर गिरिराज जी को स्पर्श कर देते हैं। जो उंगल बंधन जाते हैं, मैंने उसको उस समय देखा कि सभी पकड़ रहे हैं, सभी छू रहे हैं, परंतु हमारे परम गुरुदेव इस बात को मना करते थे कि नहीं, हम लोगों की क्या ये मन हाथ है, ये हाथ क्या है, ये जड़ शरीर है, और कहां भगवान को स्पर्श करने हम जा रहे हैं? क्या स्पर्श करके हमें प्रेम की विकार होने लग जाता है? तो फिर क्यों स्पर्श करते हैं? अरे हम कितने गंदगी है हमारे हाथ में, पता नहीं, हमारी याद भी नहीं रहता, कभी आंखों में, कभी हाथ में, कभी मुंह पे लगाए होते हैं और सीधा जाकर के स्पर्श कर देते हैं। तो इस प्रकार से वे लोग शिक्षा देते हैं, इस प्रकार से कभी भी ठाकुर जी को कोई भी झूठे हाथ से इस प्रकार से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और विशेष करके जो गुरुदेव के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। चरण स्पर्श करने से क्या होगा, दूर से प्रणाम करना चाहिए। और एक बार क्या हुआ, माताओं के लिए तो बहुत विशेष सावधानी की बात, एक बार भक्ति भारतीय महाराज जी लीला कर रहे थे, तो उनके जो सेवक लोग अंदर जा रहे थे और उनको सेवा कर रहे थे, पद सम्मान कर रहे थे, एक माता जी थी जो कि बाहर खड़ी होकर के रो रही थी, तो महाराज जी को पता चला, तो महाराज जी बाद में उनको ना बुलाए, बुला करके बोले कि देखो स्त्रियों की एक मर्यादा है और इस शरीर में ही उनकी मर्यादा की भगवान इसकी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे हम लोग सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं तो उस प्रकार से हमारे धर्म को पालन करते हैं और भगवान इससे संतुष्ट होते हैं, वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। ऐसे स्त्री अपनी मर्यादा पे रह करके अगर अपने धर्म को निभाए तो भगवान भी उसमें संतुष्ट होते हैं। अपने मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रीति की बात आ जाए, नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी ने बोले कि देखो मेरा दो स्वरूप है, एक प्रकट स्वरूप, एक अप्रकट स्वरूप। जिस समय मैं प्रकट हूँ, मैं प्रकट समय में मैं तुम्हें अपने शरीर की सेवा नहीं देख सकता हूँ, जिस समय मैं अप्रकट हो जाऊंगा और मेरा प्रतिमूर्ति बनाना, घर पे रख करके मेरे सारी सेवा करना, मैं वहीं से सारे सेवा को लूंगा। तुम मुझे कपड़ा पहनाओ, तुम मुझे कपड़ा खोल करके निलाओ, तुम मुझे कितने भी श्रृंगार करो, तब मैं तुम्हारे सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद जी ने शिक्षा दिया, नरोत्तम दास ठाकुर जी भी वही शिक्षा देते हैं, और इतने वैराग्य को अनुशीलन किया उन्होंने, और आकर के जब उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी, जो जिनकी मन में यही इच्छा थी कि केवल मैं भजनानंदी होकर के ब्रज में आकर के, सबसे पहले आज जो हम ब्रज देख रहे हैं, पहले दो गोस्वामी आए थे, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, जब ब्रज पूरा जंगल ही जंगल था और इन्होंने आकर के इसकी उद्धार करवाया, बाद में षड गोस्वामी आए, तो इनमें से एक थे लोकनाथ दास गोस्वामी। जो लोकनाथ गोस्वामी थे वो खायर में वहां पे भजन कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर वहीं पे बाद में भजन किया। तो लोकनाथ दास गोस्वामी का ये प्रण था कि वो कभी भी जीवन में शिष्य नहीं बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी को पता चला कि ऐसे भक्तिनिष्ठ गुरु है इस जगत में, तो उन्होंने उनके पास में आए, परंतु कभी भी उनको जिक्र नहीं किया और उनके मन में ही इनको गुरु के रूप में बिठाए और गुरु की जैसा शिष्य की भांति उन्होंने सेवा करने लगे। जैसे मातंग ऋषि के लिए सबरी कर रही थी, जिस समय मातंग ऋषि सुबेरे नहाने जाएंगे उस समय अंधेरा से ही उन्होंने उनके मार्ग को साफ करते थे, जिस नदी पर वो जाते थे उस नदी के रास्ता को साफ करते, कहीं कांटे ना आ जाए। और इस प्रकार से जब उनको ईंधन की जरूरत होती थी तो वो कई सारे लकड़ियों को लेकर के बिना किसी ने देखे, अगर कोई देख लिया तो क्या हो जाएगा, हमें प्रतिष्ठा मिल जाएगा, हमें सम्मान मिल जाएगा। अभी अभी गुरुजी ने मुझे पूछा ना, तुमने क्या पढ़ाई करना, मैं खूब जोर से बोला सीएस। इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर वो दांभिकता है, परंतु हमारे एक प्रभु जी कहते हैं कि अगर तुम इस हाथ से सेवा कर रहे हो ना, इस हाथ की सेवा, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज जी, आज मैं पढ़ रहा था, यहीं पे रूम में ही लगा हुआ है, उनके आखिरी उपदेश में वो कह रहे हैं कि निष्कपट लोभ ही एकमात्र वास्तव में वो संपद है जिससे राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा को हम प्राप्त कर सकते हैं। भाई हम बाजार जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, उसके लिए हम क्या देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तो वो विनिमय है। तो इस प्रकार से जो राधा कृष्ण की प्रेम को खरीदने के लिए क्या चाहिए, सेवा नहीं, कौन सी सेवा, प्रेममय सेवा, तो वो कैसे मिलेगा। वो कह रहे हैं केवल एकमात्र निष्कपट भावना, निष्कपट लोभ मन में है कि भगवान हमें प्राप्त हो जाए, लोल्यम अपि मूल्यम केवलम, केवल वो एकमात्र लोभ है कि कब मुझे भगवान की ऐसी सेवा मिलेगी। इस
प्रकार से जो निष्कपट होकर के, ऐसा नहीं अब मंदिर में कोई नहीं है झाड़ू दे रहे हैं, मन ऐसा वैसा है झाड़ू दे रहे हैं, कोई आ गया तो अच्छे से झाड़ू दे रहे हैं, कहते ये निष्कपट नहीं है, परंतु तो भक्ति की भी फल कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। जितना आप दिखावा करके सेवा किया, हमने जितना दिखावा करके सेवा किया, उसके फल स्वरूप भगवान हमें कुछ और इतर वस्तु दे देंगे, भोग मोक्ष दे देंगे, परंतु भगवान कभी अपने प्रेम में सेवा नहीं देंगे। तो इस प्रकार से मातंग ऋषि के लिए जो सबरी थी वह इस प्रकार से सेवा करती थी, और इसका फल देखो क्या हुआ कि साक्षात रामचंद्र, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं परंतु उनके इष्ट देव खुद चल करके उनके पास आए। ठीक इसी प्रकार से लोकनाथ दास गोस्वामी के लिए भी नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ दास गोस्वामी जिस समय नित्य कर्म करने के लिए सुबेरे जिस स्थान पर जाते थे उनको हाथ से उठा उठा करके साफ करते थे और अपने सर पर ले लेकर के वो फेंकते थे अन्यत्र। कितनी गाड़ी उनकी निष्ठा थी, इस चीज को देख करके लोकनाथ दास गोस्वामी के मन जो था वो पिघल गया और केवल एकमात्र उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार से उनको शिष्य बनाया तो वही हुए लोकनाथ दास गोस्वामी। बाद में इनके और दो गुरु भाई हुए जो श्रीनिवास और श्यामानंद, जो श्यामानंद थे हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य और श्रीनिवास आचार्य श्री गोपाल दास गोस्वामी के शिष्य, ये तीनों श्यामानंद श्रीनिवास नरोत्तम तीनों मिलकर के, और जैसे हायर स्टडी होता है ना उच्च शिक्षा के लिए हम कहीं अन्यत्र जाते हैं, तो ये तीनों मिल करके जी गोस्वामी के पास आकर के सारे संदर्भ सारे रचनाओं को उनके पढ़े और उसको लेकर के उस संपदा को लेकर के अन्यत्र अन्यत्र जाकर के प्रचार करने लगे। श्रीनिवास आचार्य गए मणिपुर में प्रचार किया, श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में, और जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर थे इन्होंने बंगाल में आकर के इस प्रकार से प्रचार किया। एकमात्र केवल क्या निष्कपट भावना और दीनता, जिस दीनता महाप्रभु की सबसे पहला शिक्षा है। एक छोटी सी बात है, हम लोग सब कुछ कहते हैं ना कि हम लोग करते हैं, हमारे एक महाराज जी आए थे तो वे मुझे बोल रहे थे, उनका नाम है भक्ति प्रसाद बन महाराज, वह हमारे परम गुरुदेव के शिष्य हैं, हमारे मेरे चाचा गुरु हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो कलकत्ता में हमारे मठ में अर्चन कर रहे थे, उस समय परम गुरुदेव श्री भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी समक्ष उपस्थित थे। एक महाराज भक्ति गुरुदेव श्रोति गोस्वामी महाराज जी उनके पास आए, बोले कि महाराज जी आपके मठ में अर्चन कौन करता है, तो वही तो अर्चन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ। फिर इतने में ही दोनों में आपस में कुछ वार्ता होने लगी, तो हमारे जो बल महाराज जी थे हमारे परम गुरुदेव के शिष्य वो थोड़ा बाहर आ गए सुनने के लिए कि क्या ये कह रहे हैं। फिर बाद में जब उनका वार्तालाप खत्म हुआ तो वो अंदर गए, इतने में बोले वो श्रौति गोस्वामी महाराज जी ने क्या बोले बताए, बोले कि देखो अर्चन कभी हम नहीं कर सकते, अर्चन कौन करते हैं, गुरुदेव करते हैं, इसीलिए हम लोग जब भी अर्चन करते हैं और हर एक दीक्षित लोगों को विधि, दीक्षित जो भक्तों को अर्चन की विधि जरूरी है, वो उनको अर्चन करना विधेय है, आप लोग करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं, गृहस्थ तो इतना नहीं करना, पर फिर भी ये अर्चन की विधि बतलाई गई है जो दीक्षित है, नहीं तो अगर आप अर्चन नहीं कर पाते हो तो नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, उसको भलीभांति करना चाहिए। बोले कि देखो जो अर्चन है ना उस अर्चन में चाहे आप गायत्री मंत्र जप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आत्म ध्यान क्या कि गुरुदेव आप ही सब कुछ कर रहे हो, अगर ये भावना नहीं रहा तो आपका पूरा का पूरा अर्चन निष्फल है। तो इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से कि गुरुदेव सब कुछ करने वाले हैं, तो इस प्रकार से गुरु की निष्ठा नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दिखाया और वही दिन तक लेकर के बाद में वो पूरा बंग देश को उद्धार किया और वहां से, और ये तो कोई साधारण थे नहीं, साक्षात महाप्रभु की प्रेमावतार थे, प्रेम का स्वरूप थे, और उन्होंने उस गुरुदेव के चरण आश्रय किया जो कि अनन्य कृष्ण कृपा मूर्ति ही थे। गुरुदेव कौन है, कृष्ण की जो कृपा है ना वो मूर्तिमान होने के ना, तो गुरु और शिष्य के बीच में जो आज हमें शिक्षा मिला है वो ये नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी एक नहीं देंगे और एक उनसे अलावा उनके अलावा और किसी से नहीं लेंगे। और बाद में इस प्रकार से जो नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम के माध्यम से
उन गुरु की चरण में आश्रित हुए और गुरु जी ने उनको हृदय में लगा करके और आज हमारे गुरु परंपरा के मुख्य रूप में आज ही परिवर्तित है। तो यही उनके जीवन काल में एक शिक्षा है। तो मैं उनके चरण में पुष्पांजलि दे रहा हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर भी ये जो तम बुद्धि दोष मोहि दम्भ मात्र करे मेरे अंदर जो ये तम गुण रूपी दम्भ है इसके भी विनाश करे। और आप सभी से भी मेरा प्रार्थना है कि मेरे अंदर जो ये गुण है ये भी कभी खंडित हो और मैं भजन कर पाऊँ। इतना ही गौर ब्रह्मानंद। जो लोकनाथ दास गोस्वामी का गुरुदेव है कहते हैं ये जो भक्ति की एक विशेष लक्षण है जिसको अंदर में जितनी भक्ति आएगी ना, जैसे किसी पेड़ में ज्यादा फल हो जाए वो पेड़ क्या होता है, झुक जाती है ना, उसी तरह जिसके अंदर में जितनी अच्छी गुण आएगी स्वाभाविक रूप में उसके अंदर में ये भावना आएगी भैया हम तो सबसे छोटे हैं। इसलिए बोले तो वृत्त कौन है, भगवान की सेवक के हमसे सबसे हम छोटे ही की भावना। इसलिए उन्होंने बोले भैया मैं कभी दीक्षा दूंगा नहीं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखा भैया जब तक हम जीवन में गुरु नहीं करते तब तक भक्ति का सुरनाथ नहीं होता है। हाँ, बिना गुरुदेव जी का कभी कल्याण नहीं है, इसलिए हमें गुरु करने चाहिए। लेकिन उन्होंने ढूंढे ब्रज में गुरु बनाए तो किसके गुरु बनाए, फिर उन्होंने सुना कि महाप्रभु से सबसे पहले ये ब्रज में यही आए और एक भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों महापुरुष वृंदावन में शेख गोस्वामी से पहले आए और बड़ी भजनानंदित थे। 24 घंटा भगवान की लीला स्मरण चिंतन में ये डूबे रहते। उनको पता चला यहाँ पर ये बहुत बड़े संत है, ये बहुत बड़े संत है। इसलिए उनके ढूंढते आकर के दीक्षा मंत्र लेने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कभी मैं शिष्य बनाऊंगा नहीं। अभी दोनों में लग गए, वो कहते हैं आपके सिवाय किसको गुरु करना नहीं, वो कहते मैं कभी जीवन में शिष्य बना हुआ नहीं। तो उन्होंने सोचा भैया एक व्यक्ति को संतुष्ट करना तो कैसे खुश कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बस कुर्बंती माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिव्रता। जैसे एक पतिव्रता नारी पति की इतने सेवा पतिव्रता नारी करती है, करते करते पति को इतने वशीभूत कर देती हैं वो पति पत्नी के अंगुल पर नाचता है, जैसे सारे पैसा कमा कर लाएगा पति पूरा पैसा, लेकिन पैसा कमा करके किसको देगा, सेठ किसको देगा, तो सेठाने को देगा, सारे पैसा पत्नी को देगा। अगर पत्नी से कुछ पैसा मांगे ना 1000 कहीं पर देना पड़ेगा, इतने पैसा क्या करोगे, इसलिए इतना पैसा मांगे, इतने पैसा से क्या होगा, नहीं इतना पैसा नहीं, ये घर का काम हो ना। लेकिन पति उसका बात सुनता, बोले क्यों घर को देखती है, वही घर को देखती है, पुत्र इतने विश्वास उसको ऊपर में, बोले कैसे, बोले सेवा से। इसलिए कहते केवल सेवा से ही हम किसी व्यक्ति को बसे उदाहरण कर सकते, केवल सेवा से। उन्होंने देखा भैया जब तक सेवा नहीं करोगे तो विवाह नहीं मिलेगी, इनके हम सेवा करें तो खुश हो गए दीक्षा मंत्र दे सकते हैं, लेकिन उनको कोई सेवा की जरूरत नहीं, वो तो रोटी लाए खाए भजन किए इसलिए हम कभी कहते हैं ना हमें सेवा दे तो बोलने का जरूरत नहीं, देख लो इनकी किसी चीज की जरूरत है, हम सेवा कैसे करके ढूंढ लेनी चाहिए, पूछने का जरूरत नहीं ढूंढ लेनी चाहिए। इसलिए तुमने ढूंढ लिया, बोले भैया इनको क्या सेवा करें, किस चीज की तो जरूरत है ही नहीं। उन्होंने देखा ये शौच क्रिया में जब जाते ही वाह सबसे निकृष्ट सेवा उन्होंने ढूंढा। लेकिन कभी कभी हम सोचते नहीं सबसे बड़ा सेवा होता है, सबसे बड़ा सेवा करके छोटे सेवा हम कोई करेंगे, हम बड़े आदमी बड़े सेवा करके छोटे आदमी की नहीं, जितने छोटी से सेवा करो ना उतना भगवान की कृपा उतना पड़ती है, महाप्रभु भगवान है। लेकिन उन्होंने कौन सा सेवा मांग करके राजा से लिया, झाड़ू लगाना, इसलिए जमादार की सेवा में लिया झाड़ू लगाने का, सबसे छोटे सेवा को उन्होंने मांग करके लिया। इसलिए हमारे गुरु जी के मंदिर में जब कोई आते थे ना, गुरु जी सबसे पहले उनको मंदिर साफ की सेवा करते, टॉयलेट साफ की, क्योंकि वैष्णव की पैखाना साफ करो और क्या करो मंदिर में झाड़ू लगाओ तो क्या होगा, अपने आप हृदय में दिनत आएगी, अपने आप हृदय में श्री श्यामानंद प्रभु राधा रानी की चरण के नुपुर कैसे मिली, केवल झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी के चरण की
नूपुर में, इसलिए भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का ना बहुत बड़ा महत्व है। एक राजा क्या करता था, रोज मंदिर में साफ करता था। एक व्यक्ति देखा भैया राजा होकर तो मंदिर क्यों साफ करता है, राजा है ना। किसने पूछा भैया तू मंदिर को रोज आकर के तू राजा साफ क्यों करता था, वो क्या कहता है, मेरे को पूर्व जन्म की बात मेरी याद। बोले क्या याद है, बोले पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़ा दुष्ट था, बदमाश, एक बेस्या को लेकर गलत काम करने के लिए एक जंगल में पहुंचा, लेकिन मेरे को पता नहीं था ये भगवान विष्णु का मंदिर, उसको साथ में गलत काम करने के लिए मैंने मंदिर को साफ किया। लेकिन ठाकुर जी मेरे गुना अवगुना प्रभु देखो ना का, ठाकुर जी मेरे बुरे चीज को नहीं देखी, लेकिन जो विष्णु मंदिर मैंने जो साफ किया गलत काम करने के लिए ठाकुर उसको देख करके राजा जन्म दिया। अगर भक्ति से अगर मंदिर साफ करो तो ठाकुर का हमें क्या नहीं, इसलिए उन्होंने उनकी पायखाना सेवा की है, जो कोई घृणा नहीं हाथ से उठा करके फेंक लेते थे और साफ करते थे। जब गुरु जी ने ये सेवा को देखे उनको संतुष्ट हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी दीक्षा मंत्र नहीं दूंगा, लेकिन इतनी सेवा से संतुष्ट होकर उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया। इसलिए मंदिर में हर सेवा श्रेष्ठ है, अर्चन से लेकर के मंदिर साफ कर से रोसे ठाकुर का सब सेवा को हमने बराबर मान करके हर सेवा करनी चाहिए। इसलिए इन्होंने ये जो एक बहुत बड़ी नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना जीवन में एक आदर्श रूप में ये शिक्षा दिलाई। अभी हमारे से तपन प्रभु जी माँ कृष्ण प्रभु जी वो भी कुछ अच्छी अच्छी बात बताएं। तत्पश्चात उपस्थित भक्तवृंद वैष्णव वैष्णवी तीर्थ गुरु भक्तवृंद सबके चरण माध्यम की यथार्थ स्वीकार। आज एक विशेष तिथि का समागम, इस तिथि को अवलंबन करते हुए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस जगत में आविर्भूत हुए थे। और ये नरोत्तम दास ठाकुर की जीवन चरित्र ऐसा है, उनके बारे में ये कहा सकता है क्या, तुम्हारे महिमा गाय हेन शक्ति मोर नहीं तबे पारी जदि देह शक्ति, कि तुम्हारा जो जीवन चरित्र और तुम्हारा ये शिक्षा इसे गान करने के लिए मेरा अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वैष्णव गुणगान कर ले जीवन था, कि अगर वैष्णव की गुणगान करूँगा करने से क्या होता है ना, जीव की बद्ध दशा खंडन होके वो वही परम पद को प्राप्ति करता है। तो इसलिए ये भी अभिलाषा है, मगर शक्ति सामर्थ्य दोनों भी नहीं है। तो इसलिए तबे पर देह जदि शक्ति, उस समय वो सामर्थ्य होगा अगर तुम वही शक्ति हमें प्रदान करे। तो पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी चरणा में प्रार्थना करता हूँ कि वही शक्ति प्रदान करे। तो आशीला नरोत्तम दास ठाकुर की सुबह आविर्भाव थी। तो गुरु जी ने पहले बताए भजन कौन करते हैं ना, जितने सारे आलसी जितने सारे कर्मठ ना, जो जी सामर्थ्य नहीं जागत जगत में। तो वास्तव में ये बात को मिथ्या में परिणत करने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर का ऐसा स्वरूप क्या ना, आविर्भाव हुई किसी उच्च कुल राजवंश में, कायस्थ कुल में, पिता राजा, धन संपत्ति कोई कमी नहीं, फिर भी बाल्यकाल से ही वैराग्य के आचरण स्वभाव स्वरूप ये स्थित था उनका वैराग्य। पिता थे कृष्णानंद दत्त और माता के नाम था नारायण देवी। तो कृष्णानंद दत्त और नारायण देवी को अवलंबन करते हुए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस जगत में आविर्भाव हुए। बाल्यकाल से वैराग्य आचरण स्वरूप कुछ दिखाने नहीं, बाल्य से बाल्य स्वभाव ऐसा है कि वैराग्य जो लक्षण होता है वही दिखाई देता है जीवन में। तो इसमें पिता माता ने देखे कि ये शायद आगे जाके वैराग्य ना बन जाए, इसलिए उनका अच्छे तरह से सारी की सारी विषय भोग करने के लिए व्यवस्था की। तो अभी हम सुन रहे थे कि जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर है वो कौन है ना, श्रीमान महाप्रभु का प्रेमावतार।
और प्रेमावतार होने के कारण ये जब बाल्य लीला कर रहे थे तो उस समय बार बार, एक बार नहीं कई बार क्या हुआ ना, सपार्श्व नित्यानंद प्रभु, सपार्श्व गौर हरि, बार बार ये स्वप्न में उनको आते थे। और बार बार स्वप्नादेश दे के खुद स्वयं नित्यानंद प्रभु एक बार उनको बोले कि जाओ तुम पद्मा नदी के पास जाओ। ये पद्मा नदी के क्या महात्म्य हो ना, श्रीमन महाप्रभु जब वही पद्मा नदी के पास गए थे तो महाप्रभु अपनी जो प्रेम था उसे क्या किए थे ना, ये पद्मा को अर्पण किए थे। हाँ, पद्मा को अर्पण करके बोले पद्मा ये मेरा जो प्रेम धन मैं तुम्हारे पास छोड़ के जाता हूँ, जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे ये प्रेम धन को भूमि प्रदान कर देना। तो उस समय पद्मा मतलब गंगा जो पूर्व बंगाल में जो प्रवाहित होते तो बोलते मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तो उस समय श्रीमान महाप्रभु बोलते कि जब वो महापुरुष तुम्हारा उनका चरण को तुम्हारा नदी में जब स्पर्श करेंगे तो तुम्हारी जो जल वो क्या होगा ना, उत्थलित होने लगेगा। हाँ, तो ये तो बात बोल के गए थे। तो श्रीमान नित्यानंद प्रभु जब नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आके ये बात बोले कि तुम शीघ्र पद्मा नदी के पास जाओ, तो ये भी घर में ये अनुकूलता नहीं था कि अकेले जाके वो पद्मा नदी में स्नान कर सकते। तो सारी की सारी जो पिता ने जब कहीं दूसरे स्थान में गए थे तो कुछ देह रखी को लेके श्री नरोत्तम दास ठाकुर जाते थे कहाँ ना, पद्मा नदी में स्नान करने के लिए। तो जब पहले चरण ही स्पर्श किए पद्मा नदी में, भूई महाप्रभु ने जो बोल के गए थे भूई परिवेश वहां क्रिएट हुआ, सारी की सारी पद्मा नदी उथल उथल खा रहे हैं। और उस समय पद्मा नदी को पता चल गया कि अभी श्री वही नरोत्तम दास ठाकुर महापुरुष आए। तो महाप्रभु की जो आज्ञा था वही प्रेम धन वो किसको दिए ना, नरोत्तम दास ठाकुर प्रदान की। तो वैष्णव मुख से कभी सुना कि वो भी प्रेम धन जब नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान करते थे तो उसी समय एक अनुकूल हवा उसी समय जो बहने लगा, वही हवा जहां जहां गया वहां हमारे जितने सारे गुरुवर्ग वहां से उत्पन्न हुए, भक्त प्रगण शिल केशव गोस्वामी, भक्ति स्वरूप शिल सिद्धार्थ गोस्वामी, जितने जितने सारे प्रभुपाद के पार्षद सब तो एक एक ऐसे ऐसे बड़े थे। तो वही हवा के प्रभाव से ही महाप्रभु प्रेम धन के स्वरूप एक एक वह प्रकाशित हुए हमारे गुरुवर्ग के रूप में। तो हम ये हमारे गुरुवर्ग नहीं, ये महाप्रभु के एक एक प्रेम की प्रकाश है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अभी गुरु जी ने बताया किसे उनका गुरुदेव की प्राप्ति की। देखो यद्यपि कृष्ण की कृपा सबके ऊपर समानता होता है क्योंकि भगवान कभी किसके प्रति पक्षपाती तो करते नहीं, फिर भी भगवान एक अपेक्षा रखते किसका ना, स्नेहमयी कृपा अपेक्षा श्री कृष्ण कृपा स्नेह बस हया करे स्वतंत्र आचार, कि भगवान सर्वसमर्थ होने पर भी सबके ऊपर समानता दृष्टि रखने पर भी ये जो स्नेहमयी सेवा की अपेक्षा करते, ये स्नेहमयी सेवा द्वारा ही भगवान क्या करते ना, ज्यादा कृपा करते। देखो नरोत्तम दास ठाकुर का वही था, इसलिए भगवान ने उनको गुरुदेव के रूप में कृपा करने के लिए क्या हुए ना, जो संकल्प था उसे भंग करके भी क्या किए, फिर शिष्य के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर को ग्रहण किए। तो उसी लीला की पुनरावृत्ति कब हुआ ना, श्रील प्रभुपाद के समय में, जब श्रील प्रभुपाद गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज को अपने गुरुदेव के रूप में वरण किए। अभी गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज भी इसी प्रणय किए थे क्या, मैं जीवन में शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा, मगर ऐसे ऐसे बोल के जब सात बार भी प्रभुपाद को लौटे देखी नहीं, मैं आज महाप्रभु को पूछा नहीं, कल राधा कृष्ण को पूछा नहीं, ऐसे ऐसे सात बार प्रत्याख्यान कर दी, फिर कैसे स्थिति में उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को सरस्वती आख्यान उपाधि मिला था, इतना विद्या बाकी था, इतना विद्या में इतने पारंगत थे। हाँ, तो उसको भी श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जो अनपढ़ थे, इतने बड़े जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी प्रत्याख्यान करे कि नहीं मैं तुम्हें शिष्य रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। और जब सात बार इसे मना किए, फिर जब प्रभुपाद ने वो जो गुरुदेव की प्राप्ति का जो अभिलाष परित्याग नहीं किए, फिर गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज ने पुनः उनको अंगीकार किए। तो इसमें दिखाया जाता है कि जो शिष्य के अंदर गुरुदेव के प्रति जो भावना, जो पहले गुरुदेव की जो वरण ये होने के बाद और दूसरे गुरुदेव को कभी ग्रहण किया नहीं जा सकता है, चक्षुदान दिलाजे जन्मे जन्मे गुरु से, ये बात को इसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर और उसके बाद उनका अनुगत स्वरूप श्रील प्रभुपाद इसमें प्रकाशित करते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु प्रेम अवतार होने के कारण इनके विद्या पांडित्य इतने था, इतने पता इनके बाद छोड़ो उनके जो शिष्य थे, एक बार
श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जब बैराग्य हुए सन्यासी हुए तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो अनेक बहुत सारी ब्राह्मण को शिष्यत्व प्रदान किए। तो साक्षात जो स्मार्त वैष्णव थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, तो वो क्या किए कि ये उनके प्रति द्वेष भावना आ गया कि देखो ये खुद शूद्र कुल का उत्पन्न है और शिष्य किसका करता है ना, ब्राह्मण कुल का शिष्य ग्रहण करता है। इसलिए क्या किए ना, उस समय जो राजा थे नृसिंह ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उसी राजा के पास गए और नरोत्तम दास ठाकुर के विरुद्ध में बोलने लगे। तो वो राजा ने क्या किया, जितने सारे पंडित लेके नरोत्तम दास ठाकुर के पास में शास्त्र चर्चा करने के लिए आए। तो उस समय उनके दो परिकर थे, एक तो थे श्रीला गंगा नारायण चक्रवर्ती और एक रामचंद्र कविराज। ये दोनों क्या किए ना, उस जो राजा जिस रास्ता में आ रहा था उस समय क्या किए ना, पान सुपारी के दो दुकान खोल के बैठे, और वो जब उस समय खरीद करने के लिए आए तो ये आपस में संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। तो जब वो संस्कृत में वार्तालाप करने लगे तो बोले, अरे जिसके पास हम जा रहे हैं उनके पास अभी गए नहीं, उसके जो पहले ही ये जो साधारण जो दो जो दुकानदार है उनका ये इतना पांडित रहता है, इतना पांडित ये संस्कृत में बात करे, तो उनके साथ जब ये वार्तालाप करे तो उनके साथ वो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कुछ पूछने लगे। तो ऐसे ऐसे पता चला कि ये नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य है, और उनकी जितने सारी उनका तर्क था उसके ये सब खंडन किए और अपने जो सिद्धांत को उनके द्वारा प्रतिष्ठा किए। तो इसमें ये पता चलता है कि वो बोलने लगे कि जिसका शिष्य की इतना प्रतिभा है, इतना पांडित्य है, तो उनका गुरुदेव की कैसा प्रतिभा ना होगा। तो इसमें पता चलता है इसे नरोत्तम दास ठाकुर का कैसा प्रतिभा था, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनके जो शिक्षा गुरुदेव थे इसलिए जीवगुरु संवाद उनको ठाकुर पदवी प्रदान किए थे। तो ऐसा ऐसा और लोग बोलेंगे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ घर के राजा के बच्चे थे, और लेकिन जो भक्ति जगत में कितना जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो। भक्ति जगत में जात पात का कोई विचार नहीं, जो हरि का भजन करता है वो हरि का, जैसे हनुमान जी कोई बंदर बोलते हैं, कोई बंदर अगर घर में घुस जाए ना बोले भैया घर अपवित्र हो गया दो ढंग, लेकिन देखो बंदर जी घर घर में पूजा हो रही है। सबरी जात में छोटी थी लेकिन भगवान जिसका झूठा बैल था, गोह का चंडाल चंडाल था भगवान का मित्र बन पाए। सुग्रीव बंदर जाति के लेकिन भगवान की जब राज दरबार लगता था भगवान उसको बराबर आसन देते थे, बराबर आसन बैठते। इसलिए भगवान की भक्ति जगत में जात पात का कोई विचार नहीं, बोले जही भजे सही बड़ा अभक्त ही विचार, कृष्ण भजन नहीं जाती बुला विचार। मतलब है भगवान की भक्ति जगत में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ब्राह्मण का 12 गुण होता है, द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण, लेकिन अभी एक गुण भी देखना बड़ा कठिन। लेकिन कहते हैं अगर उसको अंदर में 12 की 12 गुण है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन भले ही किसी चंडाल कुल में जन्म क्यों नहीं हो, जैसे गोह का चंडाल है, चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर भगवत भक्ति करता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, अपना तो उद्धार करेगा ही और अपना 21 पीढ़ी को उद्धार कर लेता है। लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म होकर अगर भक्ति नहीं करे दूसरों को क्या उद्धार, खुद तो उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए लेकिन साधारण जो स्मार्त तो ब्राह्मण लोग बोले देखो ये कैसे है, जन्म लिया तो खुद कायस्थ कुल में और चेला बना रहा है ब्राह्मण को, बस बड़ी बदनाम करने लग गए, बड़ी बदनाम करने लग गए। बदनाम करते करते सोचे किसी तरह उसको नीचा दिखाना है, उसको नीचा दिखाना। उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान को लेकर के पंडित को लेकर के बोले चलो आज सबके सामने उसको अभद्रस्तम करेंगे, एकदम चेले चपाटी को लेकर के हैं कुछ वहाँ राजा हैं कुछ राजा चेले चपाटी वहाँ कर तथा कर जितने पंडितों को लेकर के आए। इनको खेतरी गाँव में रहते थे, गाँव का नाम खेतरी, वहां पर उनको परास्त करने के लिए आए नीचे दिखाने के लिए। अभी ये बात को सुन करके नरोत्तम दास ठाकुर बड़े दुखी हुए, बोले क्यों भक्तों लोग तर्क वितर्क नहीं चाहते, वो तो दीन ही नहीं होकर प्रभु का भजन करते हुए संसार से चले जाना चाहते,
ये तर्क वितर्क उनको पसंद नहीं, लेकिन जब देखा बड़े बड़े विद्वान को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का जो शिष्य लोग थे बड़े बड़े दिग्विजय, वो संस्कृत भाषा में उस समय संस्कृत सब पढ़ते थे, बड़े बड़े धुरंधर पंडित थे इनकी, हाँ शिष्य लोग, इन्होंने क्या किया बोले उनको गुरु तक आने ही नहीं देगी, उसको रास्ता में उसको वापस दे देगी। अभी उनको पता चला एक गांव में हैं, एक गांव में बीच में आकर के रात को रुकेंगे वहीं पर, और उनको पता ब्राह्मण लोग दूसरा हाथ में खाना नहीं खाएंगे, वो तो खुद पका कर खाएंगे, फिर पान भी खाते हैं, पान भी खाते हैं। उन लोगों ने किया कि अपने शिष्यों ने पगड़ी बांध करके गले में जो कट्टी को छुपा दिया, पगड़ी बांध करके, और वहाँ कलसी बेचना, हाँ जो कलसी बेचते हैं, जो पान बेचते हैं, उसका दुकान लेकर बैठ गए। जब बैठ गए अभी वो पंडित लोग वही गांव में आकर रुके, दूसरे दिन जाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर के पास में, जब आकर के पान और वहाँ पर कलसी खरीद करने के लिए आए, कि जो बेचने वाले पान और जो कलसी बेच रहे थे संस्कृत भाषा में बात कर रहे थे, सब के सब संस्कृत भाषा में, बोले कस तो प्रश्न किया, भाई तू कौन हो, ये प्रश्न कर रहे वैष्णव लोग, कस तो बोले तुम कौन हो, वो अपना नाम बताया, हमारा नाम ये है अमुक नाम है, तो उन्होंने प्रश्न कहते हैं तुम्हारा शरीर का नाम ना आत्मा के नाम है, बोले ये क्या संस्कृत भाषा में बोल रहे, ये पान और कलसी बेचने वाले कहते भैया तू आत्मा के नाम बता रहे हो ना शरीर के नाम, बोले बाबारी, तब उन्होंने बोले बोले तुम लोग लगते हैं पंडित हो, तब उन्होंने अपना शरीर का नाम बताया, उन्होंने पूछे ये शरीर का नाम ना आत्मा का नाम, वो तो चुप हो गए, ये क्या कहता है, ये पान बेचने वाले कलसी बेचने वाले संस्कृत भाषा में कहते शरीर का नाम ना ये आत्मा के नाम है, हैं, इसलिए फिर उन्हें शास्त्रार्थ होने लग गया। फिर तो उन लोगों ने बताया भैया जो पंडित लोग है वो शरीर का परिचय नहीं देते, वो आत्मा का परिचय देते, जो आत्मा है न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वत आत्मा है, नहीं नम छिंदति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावक न च निक्लेतंत्र नहीं सोचति मार्गो, उसको आग जला नहीं सकती, हवा उसको भिगा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकती, आग में जल नहीं, नित्य शाश्वत है। उन तो आत्म तत्व के ऊपर में संस्कृत भाषा में जितने वेद पुराण उपनिषद को सारे श्लोकों को उठा उठा कर बोलने लग गए संस्कृत भाषा में, और बात करते करते ना उनको सारे पुलिसों को काट दिए, बोले हे भगवान जिस गांव के नरोत्तम दास ठाकुर के गांव के बाहर जो पान और हाड़ी कलसी बेचने वाले जो साधारण छोटे जाति के लोग ये संस्कृत भाषा में वो आत्म तत्व के ऊपर बात करते हैं, बोले भैया ये नरोत्तम दास ठाकुर कितना बड़ा विद्वान भी हो, भैया हम भागो यहाँ से, हम उनके साथ टिक नहीं सकते, भागो राता राती सब से वहां से भागे, सब से भागे राता राती, और जो माँ देवी को जो राजा था वो माँ देवी को पूजा करता था, मैया देवी ने स्वप्न दिया बोले देखो ये नरोत्तम दास ठाकुर है ये परम वैष्णव संत है, तुमने संतों के ऊपर द्रोह करने गया था द्वेष करने के लिए, जाओ वो संतों का चेला बनो नहीं तो तेरे को जान से खत्म कर दूंगी, माँ देवी स्वप्न दिया, स्वप्न देते ही राजा दूसरे दिन गया और सीधा नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में गिर पड़े, बोले आप कृपा करो मेरे ऊपर मेरे अपराध को माफ कर दो और अपना दीक्षा मंत्र मुझे तो प्रदान करो, माँ देवी मेरे को बताए आप बहुत बड़े संत हो, मैं तो आपको हाँ परास्त करने के लिए पंडितों को लेकर के आया था, मेरी अपराध हो गई, फिर तो उनको शिष्य उनको फिर उनने उनके शिष्य बने, इसलिए कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक समय क्या हुआ ये इनका गुरु जी श्री लोकनाथ दास गोस्वामी एक समय ये बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बैठ करके हरि नाम जप कर रहे थे, करते करते इतने में एक प्यासी एक किसान उधर से गुजर तो भी जा रहा था, जाते हुए उसने बोले बोले भैया जोर से प्यास लग रहा थोड़े पानी पिला दोगे, वो माला जप कर रहे थे, इतने में माला जप करते करते जब पानी भागा ना बीच में माला भर दी, रख करके जाकर पानी पिला, जब पानी पिलाए वहीं पर उनको गुरुजी वहीं भी भजन करके देख रहे थे, जब पानी पिला करके आए ना गुरुजी ने कहा अभी तुम्हारी कर्म में रुचि है, जब उन्होंने दो सिख्या दिया उन्होंने दो दृष्टि से, पहला उन्होंने सिख्या दिया जब हम हरिनाम ये चीज अच्छे तरह सीखो, जब हम हरिनाम कर रहे हैं ये हरिनाम क्या है कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है, बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात्
नाम नाम में भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं। जब हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम नहीं कर रहे, डायरेक्ट रूप में ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे, हरि नाम नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने बीच में पानी मांगी, मतलब माला तो नहीं, हम भगवान की सेवा कर रहे थे, और सेवा करते करते ठाकुर को सेवा को रख दिया, ठाकुर को सेवा को स्टॉप बंद कर दिया। और उन्होंने क्या किया, एक किसान को उन्हें पानी पिलाया। गुरु जी ने कहा तुम्हें पता नहीं जब हरि नाम कर रहे हो कि साक्षात ठाकुर को सेवा हो रही है, और ठाकुर को बीच में सेवा छोड़ कर दी। कहना तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट तत्प्रणीते प्रणीतम जगत। जब भगवान को प्रसन्न कर देते हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उससे प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी की माला आकर भगवान खुश, विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाते हैं। और तो बीच में माला रख दिया, रख करके गया किसान को पानी पिलाया, लगता है तुमको पानी पिलाने में रुचि है, जाओ निकल जाओ, जाकर के मेरे पास चला जाओ, मेरे पास चला जाओ, इसे जाओ दुनिया को पानी पिलाओ। यहाँ पर दो शिक्षा दिया है। हाँ देखो ये चीज को समझो, जब हरिनाम हम करते हैं, अगर हरिनाम करते समय कोई अगर जैसे माला कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए जैसे अगर कोई काम बीच में आ गया, जैसे पूरी एक माला को फिनिश करे, माला को एक फिनिश कर दे। लेकिन अगर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, गुरु वैष्णव सेवा के लिए बहुत जरूरी काम है, फिर क्या करो, ये माला एक तरफ पे दे, ऐसे माला कर रहे, किसी यहाँ तक माला है, यहाँ तक माला कर रहे हो, अभी बड़े तरफ में जा रहे हो, लेकिन अभी बीच में कोई विशेष सेवा पड़ी है, जरूरत गुरु जी वैष्णव ठाकुर की कोई कोशिश करना, तो पूरी एक जैसे माला कर ले, अगर विशेष जरूरत पड़ा तो माला को ऐसे ऐसे करके रख लेना, ऐसे रख करके जब दूसरे बार जब फिर आरंभ करोगे दो एक माला से पहले ले करके फिर माला कर लो, फिर माला कर लो जरूरत है, लेकिन लेकिन तब भी कोशिश करने से एक माला पूरी हो जाएगी, लेकिन जरूरत विशेष में रख लिया है, रख लेनी चाहिए। ऐसे नहीं माला कर रहे कुछ हो गया, जैसे तैसे काम में माला छोड़ करके बस भागने लगे, ये अपराध है, ये अपराध क्यों, हम माला नहीं कर रहे ठाकुर जी साक्षात रूप में, ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी उनको शिष्य को उठने बोले जाओ सबको पानी पिला, पानी पिला मतलब क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है, चंपक मंजरी कृष्ण लीला में चंपक मंजरी ये साधारण नहीं, अब ये कौन है, ये मंजुलाली सखी लोकनाथ दास मंजुलाली, ये भी राधा कृष्ण की एक प्रिय नृत्य परिकर, ये भी नृत्य परिकर, गलती किसको होता है, भूल कहते जो साधारण जीव का ही भूल होता है, लेकिन मुक्त पुरुषों का भूल नहीं होता है, जो मुक्त पुरुषों का भूल नहीं होता है, इसलिए दुनिया को शिक्षा देने के लिए उन्होंने उनको बोल दिया तो जाओ दुनिया को पानी पिला, मतलब क्या, जो दुनिया है कृष्ण भक्ति रस की प्यास आए, सबको कृष्ण भक्ति रस की प्रदान करते हो दुनिया में, तुम दुनिया जीव का दुख में दुखी होकर के जीव कैसे भगवत विमुख होकर दुख कष्ट भोग कर रहे, उनको जाकर कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति उनको प्रदान करो। फिर नरोत्तम दास ठाकुर गए और उन्होंने पूरा मणिपुर को बदलाया, जीव गोस्वामी के तीन शिष्य बने नरोत्तम श्यामानंद मिश्र निवास, और जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ गए मणिपुर में, उन्होंने सबसे पहले राजा को पकड़ा, सबसे पहले जहां तक राजा का चेला बन गया ना, चेले तो अपनी आप बनी जाएगी है, प्रजा तो अपनी, तो उन्होंने सबसे पहले राजा को उन्होंने पकड़ी और अपना उन्होंने उनको भक्त शिष्य बनाया, राजा भक्त बने तो संपूर्ण मणिपुर, आप देखना जैसे बड़ौदा यहाँ पर आए भक्त तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त सब थोड़ी सब सब तो नहीं कर पाए ना, लेकिन उन्होंने राजा को अगर पकड़ लिया तो सब दुनिया चोटी पकड़ लिया तो पूरा शरीर पकड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने राजा को शिष्य बनाया और वहां पर महाप्रभु का मंदिर स्थापित किया, जिस मंदिर में महाप्रभु का जब आरती होती है 108 मृदंग एक साथ में बजती है, यहाँ पर एक मृदंग बजती है, दो मृदंग देखना पूरा घर को है एकदम कांप उठती है, लेकिन जहाँ पर 108 मृदंग बजे, 108 मृदंग बजे वहां का स्थिति कैसे होगी, 108 मृदंग में पूरा मृदंग, और घर घर में उन्होंने महाप्रभु राधा कृष्ण को स्थापन किया, सभी तिलक लगे कंठी सभी को पूरा मणिपुर में अभी भी उसको छाप है, अब जो नवद्वीप परिक्रमा जाते हैं ना वहां पर मणिपुर मंदिर, आप देखना अभी भी वहां की स्त्रियां जो ऊपर का जो कपड़ा वो गौरव कपड़ा नीचे सफेद, अभी भी
स्त्रियां भी अभी भी दिखना तिलक लगा कर गाती, स्त्रियां अभी भी उसका छाप है, और पुरुष लोग गला में कट्टी माला तिलक अभी भी उसका छाप मणिपुर में ही बाताएं अभी भी। इसलिए उन्होंने पूरा के पूरा मणिपुर उन्होंने कृष्ण प्रेम बना, इतने प्रभाव इनके श्री नरोत्तम दास ठाकुर की रहे। हरे कृष्ण लीला है सुना। अभी अभी हमारे प्रभु जी उनकी कथा सुनाएंगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर। बोले श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। परमहंस परिप्राचार्य श्रीधरदासी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि चंद्र प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि चंद्र प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव मेरे गुरु भाई सभी के चरणों में रहता है कोटि चंद्र प्रणाम। मैं बोल नहीं पा रहा कुछ, हृदय ऐसे हो रहा है पता नहीं क्यों, प्रिपेयर करके बैठा था पूरा, अंदर है सब कुछ पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसको पूरा बोल पाऊंगा। कोशिश करूंगा, मैं गुरुदेव से नरोत्तम दास ठाकुर से और सभी गुरुवर्गों से प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी पुष्पांजलि कंप्लीट कर पाऊं। नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र से हमें काफी कुछ शिक्षा मिलती है। बोले कैसे, बोले क्या, वो एक राजकुमार थे, विषयों के बीच में रहते हुए भी वो विषयों का चिंतन नहीं करते थे। किसका चिंतन करते थे, महाप्रभु का चिंतन करते थे, राधा कृष्ण का चिंतन करते थे। और एक मैं हूँ मठ में रह करके, मेरे चिंतन किस में होता है, घर परिवार का। दूसरा, जब महाप्रभु ने उन्हें प्रेम, जब वो माफ कर रहा था बोल नहीं सारा पता नहीं करना नहीं। बोले वो राजकुमार थे, राजकुमार होते हुए भी वो महाप्रभु का चिंतन करते थे, साक्षात ठाकुर जी का चिंतन करते थे। ऐसी उनके जीवन की अनेक लीलाएं हैं, शिक्षा हैं जो उन्होंने दी। बोले कैसे, बोले समय आने जब तक वो घर में रहे महाप्रभु का चिंतन किया, विषयों के बीच में रहकर भी उन्होंने विषयों में लिप्त नहीं हुए। समय आने पर उन्होंने अपना घर त्याग किया, पद्मा नदी में स्नान करके उस प्रेम को लेकर के वो वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के उन्होंने वो कार्य किया जो कार्य कोई नहीं कर सकता। बोले क्यों, बोले लोचनदास ठाकुर से, लोकनाथ दास गोस्वामी से, लोकनाथ दास ठाकुर से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। बोले क्यों, जैसे अभी गुरुदेव ने बताया, प्रभु जी ने बताया, ब्रह्मचारी ने बताया कि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी जिंदगी में कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी ये प्रण लिया कि अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाऊंगा तो एकमात्र लोकनाथ दास गोस्वामी होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। अपनी सेवा से उनको प्रसन्न किया। उसके बाद उनके जब जैसे गुरुदेव ने बताया जब उनको वहां से उनको लोकनाथ दास गोस्वामी ने भेज दिया तो उन्होंने जीव गोस्वामी पाद का आश्रय लिया। वहां पे जाकर के उन्होंने भक्ति तत्व के जो ग्रंथ है, जो सिद्धांत है, जो भक्ति तत्व जो ज्ञान है उसको उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद जाके जैसा गुरुदेव ने बताया मणिपुर में जाकर के उन्होंने पूरे मणिपुर को बदल दिया। बोले इसमें मुझ जैसे साधक के लिए क्या है, मुझ जैसे साधक के लिए क्या शिक्षा देके गए वो। बोले कि उन्होंने महाप्रभु जो प्रेम, महाप्रभु ने उनके लिए प्रेम कहाँ रखे गए, बोले पद्मावती। बोले कौन सा प्रेम, बोले जिस प्रेम के लिए वो खुद इस कलयुग में महाप्रभु का अवतार लेकर गया। बोले कैसे, राधा रानी के भाव को ग्रहण करके लाए। बोले कैसे भाव, बोले राधा रानी जानती थी कि यदि कृष्ण मेरे भाव को लेकर के कलयुग में गए तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। बोले वो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी अंगकांति रूप में, उनके कवच के रूप में वो राधा रानी के आगे उनसे एक तरीके से लिपट गई, उनसे कवच के रूप में उनको प्रोटेक्शन प्रदान करी। बोले और हुआ भी ऐसे। बोले क्यों, बोले जब गंभीरा में महाप्रभु उस प्रेम का आस्वादन करते थे तो बोलते थे स्वरूप दामोदर रायानंद गोस्वामी गदाधर पंडित बाहर से तो कुंडी लगा के ताला मार देते थे, लेकिन अंदर से जब सुबह खोल के देखते थे महाप्रभु गंभीरा ना है ही नहीं। बोले कहां मिलते थे, बोले समुद्र के किनारे मिलते थे। कैसे, कभी 21 हाथ लंबे हो गए हैं, कभी कछुए की तरह छोटे हो गए हैं। बोले एक बार तो ऐसा हुआ कि महाप्रभु इतने विरह कातर हो गए कि अपने जीवन को धारण नहीं कर पा रहे, अपना चेहरा वो दीवार में रगड़ रहे। बोले क्यों, बोले वो कृष्ण मुझे कब प्राप्त होंगे जिसका मैं
जिसका मैं आस्वादन, जिस प्रेम को मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया है। बोले राधा रानी जानती थी कि अगर ये मेरे भाव को लेकर गए तो ज्यादा दिन अपने शरीर को धारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अंग कांति रूप में उनके कवच के रूप में वो उनके साथ आई। बोले उसी प्रेम को उन्होंने किसको दिया, पद्मा नदी को दिया। उसी पद्मा नदी ने फिर वो प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर जी को दिया। बोले वो प्रेम मुझे कैसे प्राप्त होगा, हम जैसे साधक को कैसे प्राप्त होगा। बोले नरोत्तम दास ठाकुर उस प्रेम को किस रूप में देकर के गए, बोले अपने कीर्तन के रूप में देके गए। बोले नवदा भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्व संकीर्तन सबसे प्रधान। बोले क्यों, बोले मेन तीन है, श्रवण कीर्तन स्मरण। बोले श्रवण पहले सुनना, कीर्तन उसका बोलना और स्मरण। बोले कीर्तन सबसे प्रधान क्यों है, बोले कीर्तन करने से श्रवण भी हो जाता है और स्मरण भी हो जाता है। बोले उनके कीर्तन क्या थे, मैंने कोशिश तो करी बहुत सारे की, बहुत कोशिश करी कि उस कीर्तन को याद कर पाऊं, पर याद नहीं कर पाया, इसलिए मैं लिख के लाया, माफ करना। ये जो प्रभु जी बात बताए ना, इसलिए प्रभुपाद अपना शिष्यों को प्रश्न करते थे, उनका प्रश्न होता था बताओ किसको कृष्ण प्रेम चाहिए, हाथ उठाओ, सब हाथ उठा, हम सबको चाहिए कृष्ण प्रेम, हम तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं कृष्ण प्रेम के लिए, तो भक्ति कर रहे हैं ना, सबके सब हाथ उठाए, हमें कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण प्रेम चाहते हैं ना, एक आना में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। पता है एक आना, जो पहले का लोग बताए, बताओ एक आना कितना पैसा होता है, छह पैसा, पहले आना चलता था, एक आना दो आना सौ आना एक आना, तो एक आना छह पैसा है, इसलिए बोले एक आना। उसी समय उनका एक ग्रंथ है, उसका नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है, उसका नाम भी उन्होंने रखा प्रेम भक्ति चंद्रिका, मतलब प्रेम भक्ति की वो चंद्रिका के स्वरूप है, वो चंद्रिका के स्वरूप की प्रेम भक्ति की, इसलिए ग्रंथ। मतलब प्रभुपाद कहते थे एक आना में तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगी, मतलब क्या, बोले वो पुस्तक का कीमत उस समय एक आना था, बोले छह पैसा लेके तुम पुस्तक ले आ, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल वो पुस्तक पढ़ो, केवल वो पुस्तक मन लगा कर पढ़ो, बस अगर पढ़ोगे ना तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, केवल उसको पढ़ने पर। इतने सुंदर सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर का अद्भुत अद्भुत है, उसमें एक कीर्तन में कहते हैं बोले भैया मैं कब राधा जी के चरण की नुपुर का बन गया, बोले नुपुर क्यों बनना चाहते हो, देखना स्त्रियां अभी तो कोई स्त्रियां नुपुर नहीं बनती, पहले शादी के बाद में नुपुर बनती थी, और नुपुर पहने का चलो ना पूरा घर पूरा आवाज से घूम जाते है ना, छम 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 आवाज होता था, और शादी से पहले एक चुड़िया पहनती थी शादी में, को बाद में हमारे देश में यहाँ से यहाँ चुड़िया पहनती थी। बोले क्यों, जब घर का काम करती है पत्नी कोई काम, चुड़िया की झनझन झनझन आवाज होती है, और घर में जब नुपुर पहने करके चलती है ना, नुपुर की आवाज से पूरा घर गूंजती थी, उसको सुनकर कौन खुश होता था, पति मेरी बीवी जा रही, मेरी पत्नी जा रही, घर के काम कर रही, कोई झनझना आवाज है ना, तो पति उसको खुश होता था। इसलिए स्त्रियां वो कह रही है मैं कब ऐसे बनूंगा, मैं श्री राधा रानी चेहरे की नुपुर बनी जाऊंगी। बोले क्यों, राधा रानी जब छम 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 कर चलेगी उसकी आवाज क्या होगा, कृष्ण को कहने में जब उसकी आवाज पड़ेगा श्याम सुंदर कितने खुश हो जाए। इसलिए नुपुर भय रुनु जुनु का जीव गो कभी हेरी वर मदन मोहन हेरी वो, कहते कब ऐसे दिन होगा जब श्री मदन मोहन को देख देख कर मैं प्रसन्न होगा। मतलब इनकी भावनात्मक जो कीर्तन है अद्भुत, अक्सर करके रोज जो कीर्तन करते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवानी मरणी मति आर, इनका कीर्तन है, सब इनकी कीर्तन है। जय श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा बंद मोहि सावधाना इनका कीर्तन। अभी वो भी दो चार कीर्तन बताएगा, कीर्तन क्या कीर्तन उन्होंने किया है, क्या अद्भुत कीर्तन उनकी, केवल उनके कीर्तन ध्यान से पढ़ना तुम्हारी मन अपने आप ठाकुर जी चरण में। इसलिए प्रभुपाद कहते एक आना में इनकी ग्रंथ पढ़ोगे, एक आना में तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब इनकी ग्रंथ अद्भुत। दो चार कीर्तन सुनाया जाए, कौन सा मतलब, बोले उस कीर्तन में मुझ जैसे साधक से लेकर के भाव अवस्था के साधक तक की बात करी गई है। बोले कैसे, जैसे मेरी अवस्था भी क्या है, बोले हरि हरि कृपा करी राखो निज पदे, बोले हे हरि हे गुरुदेव, बोले कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में ही रखना। बोले क्यों, बोले काम क्रोध छह जने
लैया फिरे नाना स्थाने, बोले जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये छह जन है, ये मुझे अपने वशीभूत कर करके इधर से उधर, उधर से इधर से उधर पर जगत में भ्रमण करा रहे। बोले कैसे? हमारे कृष्णदास प्रभु जो इंजीनियर है वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले कैसे? बोले एक व्यक्ति की कामना होती है कि उसको मर्सिडीज चाहिए। बोले एक कामना से ही सारे छह के छह कैसे काम करते हैं? बोले उसकी कामना हुई उसको मर्सिडीज चाहिए। अब मर्सिडीज चाहिए तो उसके लिए उसकी सैलरी 20,000 रुपए, 40,000 रुपए ले लो, पर 40,000 में मर्सिडीज कार तो आती नहीं है। तो उसके प्रति अभी कामना है, फिर उसका मर्सिडीज के प्रति क्या हुआ? लोभ। अब लोभ उत्पन्न हुआ तो बोले अब 40,000 में आएगी नहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो हेरा फेरी शुरू करता है, पहले जॉब ट्राई करेगा कुछ अच्छी मिल जाए, पर उसकी क्वालिटी इतनी, क्वालिफिकेशन इतनी है नहीं कि उसकी मर्सिडीज लाए उसको कोई जॉब मिल जाए। पर उसको वो क्या करेगा, जाकर अब वो क्या करेगा, अपने ही काम में कोई हेरा फेरी करेगा। कृष्णा को अपने उदाहरण देते बोलते थे कि हमारे वार्ड में हमारे जो कैप्टन होता था बोलते हम सारा काम सबमिट करके देते थे, वो ससुरा अपना नाम चिपका करके दे देता था। बोले वो ऐसे करके देता था, बोले जब एक दिन पकड़ा गया तो बोले हमारे ऊपर क्रोध करने लगे। बोले ऐसे ही होगा, बोले जब वो हेरा फेरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो क्रोध होगा, काम लोभ क्रोध तीन चीज हो गई। बोले अब जिसके प्रति जो जिसने उसे पकड़ाया, जैसे मैं कोई उल्टा काम कर रहा था और जनार्दन प्रभु ने मुझे पकड़वा दिया, अब मेरा क्या हुआ, इनसे क्या प्रति हुई, मात्सर्य होगा। बोले देख लूंगा इसे, बताऊंगा रात को प्रशांत में जवान लौटा मिलाऊंगा किसे, देखता हूँ क्या होता है। उनके प्रति क्या होगा, हीन भाव होगा। तो बोले एक काम से ये सारे किस तरीके से करते हैं कि हमें पूरी जिंदगी नचाते रहते हैं। अभी मर्सिडीज की गाड़ी फिर आई, फिर जैगवार की होगी, फिर बुगाटी बढ़ती रहेगी, इसका कोई खत्म नहीं है। तो बता रहे कि काम क्रोध छह जने लैया फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजिया नाना मते। बोले अलग अलग प्रकार से मुझे विषय भोगों में प्रवृत्त करा रहे हैं। फिर दूसरा बता रहे, हैया माया रे दास करी नाम अभिला करी नाना अभिलाष, तुम्हारे स्मरण के न भूले। बोले इन सब के चक्कर में अभी जीव का स्वरूप क्या है, नित्य कृष्णदास। बोले इन सब चक्कर में नित्य कृष्णदास तो गया, क्या दास बन के रह गया, माया दास। बोले भगवान अपना तो भूला था मैं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, अपना तो भूला ही था। बोले भगवान तुम्हें भी भूल गया मैं कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद बोलते अर्थ लाभ ए आशे कपट वैष्णव वैसे भ्रमिया भुलाए घरे घरे। बोले किसी तरीके से किसी गुरु वैष्णव की कृपा से उसने भक्ति में आया, उसे दीक्षा प्रदान हुई, मठ में आया, किसी तरीके से करने लगा, लेकिन अभी क्या है वो भोग प्रवृत्ति पुरानी वाली चल रही है। अब बोले वैष्णव वेश धारण करके भी वो क्या करेगा, भोग करेगा। बोले कैसे, जैसे हम लोग घर, मैं जब आप लोग बुलाते हैं, फंक्शन होता है कुछ भी होता है, आप लोग घर बुलाते हैं देखने में, तो मैंने भी साधु वेश धारण कर रखा, पर किस लिए जाते हैं? बोले कपट वैष्णव, बोले अर्थ लाभ ए ही आशे। बोले किस लिए जाते हैं, प्रणाम मिलेगी प्रभु जी, आज बर्थडे पार्टी 500 के नोट से नीचे कम मिलेगा नहीं। बोले ये क्या है, बोले उसने साधु वेश धारण किस लिए किया, बोले अपने भोग वांछा के लिए। बोले इन सब के बाद भी गुरुवर्ग इतने करुणामय है कि उस करुणा की कोई सीमा नहीं है। बोले अनेक दुखेर परे लय चीले ब्रजपुरे कृपा डोर गलाए बांधिया। बोले इतने सब के बाद भी गुरुदेव ने कृपा करके आशीर्वाद दे करके अपने चरणों में स्थान दे करके हमें वृंदावन धाम में बांध दिया, लेकिन हमारी मेरी बुद्धि खराब। बोले फिर भी उन्हीं माया चीजों में लगा हुआ। बोले क्या है, माया देवी ने तो शिकंजा फंसा रखा मेरे गले में, वो पहले मर्सिडीज थी, फिर उसके बाद बढ़ती चली गई, फिर वैष्णव वेश में भोग किया, अब वहां जाकर भी क्या होगा, भोगी प्रवृत्त होगा अंदर से। फिर क्या करेगी माया देवी, धीरे धीरे गले में जो उसने डोर बांधी है, वो इच्छा रूपी जो डोर है, वो क्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वो डोर पकड़ के फिर खींचेगी संसार में, फिर मठ मंदिर छोड़ करके फिर एक दिन ब्याह होगा, शादी होगी, फिर बच्चे होंगे शुरू। बोलेंगे देव माया बलत्कारे खसाइया ए डोरे भव कूपे दिलेक डालिया। बोले जो भाव माया है वो, बोले बलात्कार मतलब क्या होता है, बोले जबरदस्ती, बोले हम चेष्टा करेंगे हे भगवान जो मेरे मन में विषय बुद्धि जो आ रही है किसी तरीके से चली जाए, लेकिन देव माया इतनी प्रबल है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति किसी युवती का बलात्कार करता है वैसे ही देव माया एक साधक का बलात्कार करती है। बोले कैसे, उसको जोर जबरदस्ती जब वो आनी करना बैठता है ना, सबसे मुश्किल टाइम उसके दो टाइम होते दिन में। बोले कब, जब एक जगह बैठ के माला कर रहा हूँ, एक जगह बैठ के आनी कर रहा हूँ।
सारे जितनी भी उसकी लाइफ की 19-20 साल जितने भी उसने बिता गए सारे वो रिवैक होते हैं। बोले कैसे? बचपन से लेकर के अब तक। बोले मेरे साथ तब भी होता है, अभी आने करने बैठ दो, उन 20 साल पहले की जितने भी सारी घटना एक के बाद शुरू हो जाती है, लाइन से रील रोज देखते, फिल्म चालू हो जाती है एक के बाद एक, और उस फिल्म में देखने भी आनंद आता है, आने का पता ही नहीं चलता। फिर दूसरा बता रहे, पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी तानिया तुलय ब्रज धामे। फिर वो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे वैष्णव जन, आप इतने करुणामय हैं कि एक बार आपने कृपा करके मुझे ब्रज धाम में स्थान दिया, लेकिन आप मुझे फिर कृपा करें। बोले कैसे कृपा करें? बोले अब की बार साधारण रूप में नहीं, बोले मेरे बाल पकड़ करके फोर्सफुली, जैसे अभी इनकी तिथि गई थी, हाँ अद्वैत आचार्य की जो तिथि गई थी उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने शासन स्वीकार करने की बात करी थी। बोले वैसे ही शासन करते हुए मेरे केश पकड़ करके मुझे वापस आप कहाँ लेके आ जाओ, बोले ब्रज धाम में। अगर आप ऐसे करते हो तो ठीक है, वरना मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये तो एक मुझ जैसे साधक की बात थी। बोले अगर कोई एक जो भजन में परिणत है भक्त, उसके लिए क्या है? बोले हरि हरि आर की एमन दशा हव। बोले कैसी दशा? बोले ए भव संसार तजी परम आनंदे मजी आर कवि ब्रज भूमि वास। बोले मैं संसार भवसागर है इसको तोड़ के छोड़ करके आनंद पूर्वक बोले कब मेरा ब्रज धाम में वास होगा। बोले सुखमय वृंदावन कवे हय दर्शन से धूली लागीवे कवे गाय। बोले जो सुखमय जो वृंदावन है, बोले कैसे सुखमय? जहाँ पर नित्य निरंतर राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं। बोले ऐसे सुखमय वृंदावन की जो चरण धूली जो धूली है उसको मैं अपने शरीर में लगा करके कब राधा रानी के और कृष्ण के गुणगान गाता फिरूंगा। बोले प्रेमे गदगद हैया राधा कृष्ण नाम ले है, कांदिया ब्रडा। बोले प्रेम में गदगद होकर के राधा कृष्ण का नाम लेकर के आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ दोनों हाथ उठा करके कब मैं राधा रानी और कृष्ण का वो गुणगान करता हुआ फिर सड़कों पर फिरूंगा। बोले निवृत्ति निकुंजे याय अष्टांगे प्रणाम है डाकी व राधानाथ बली। बोले निवृत्त कुंज, बोले निवृत्त कुंज क्या? बोले सेवा कुंज और निधुवन और जितने भी वृंदावन में कुंज है उनमें जाकर के साष्टांग प्रणाम करूंगा, साष्टांग नहीं अष्टांग प्रणाम करूंगा। और वहां पे जाके क्या बोलूंगा? हे राधानाथ, हे कृष्णचंद्र, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। फिर दूसरा बोले कबे यमुना तीरे परश करीबे मीरे कबे पीब करपुरे करपुटे तुली। बोले वो रात वो यमुना नदी का जो जल है, बोले यमुना नदी कौन है? जैसे गुरुदेव ने पहले बताया था, बोले जब कृष्ण अपना राग जब श्रवण करते हैं उस राग श्रवण करने के बाद जो उनको पसीना आता है उनकी काजल से होते हुए जंगा से होते हुए जो वो बहता है वो कौन है? वही यमुना नदी है। बोले कृष्ण राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत अवस्था में होकर के बहता है वही यमुना नदी है। बोले उस यमुना नदी में जाकर के कब मैं उस यमुना नदी के जल को स्पर्श कर पाऊंगा, अपने हथेली में लेकर के उसका मैं पान कर पाऊंगा, उसका आचमन कर पाऊंगा, कब मैं उसमें स्नान कर पाऊंगा। बोले आर कबे एमन हबे श्री रास मंडले या कबे गड़ा गड़ी दिए। बोले रास मंडल में जाकर के कब मैं लोटपोट खाऊंगा, वो रमन रीति में जैसे सब लोग वहां पर लोटपोट खा रहे थे ना, कौन कौन गाता रमन रीति, सभी गए थे मेरे ख्याल से। बोले वहां पर जाके जिस प्रकार से सब लोटपोट खा रहे थे ना, कब रास मंडल में जाकर के, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, मतलब मैं अपनी बात बताऊं वो उस टाइम मजाक था, पर लेकिन वास्तव में जितने लोटपोट खाने का आनंद आएगा ना उस दिन ऐसे लोटपोट नहीं खाएंगे, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, रो रहे होंगे, कर रहे होंगे, लोग देख के सोच रहे होंगे पागल है, लेकिन वास्तव में आनंद किसको आ रहा होगा? हमें आ रहा होगा, वो वास्तव में लोटपोट खाना होगा। उस दिन तो भगवान की दादा क्या था। वंशी वट छाया पात्र परम आनंद भैया बाड़ी को रही बतार छाया। बोले वंशी वट के वृक्षों के नीचे छाया पाकर के उन्हीं के हाथ उसमें पड़े रह करके हरे कृष्ण महामंत्र का मैं जाप करूं। बोले कवे गोवर्धन देखी नयन कवे गोवर्धन हेरी नयन देखी देखी नयन भरी कवे हब राधा कुंड वास। बोले कब मुझे वास्तविक गोवर्धन का स्वरूप प्राप्त होगा, कब मुझे राधा कुंड श्याम कुंड में वास मिलेगा। बोले देखी ते कवे ए देह पतन हबे कवे दिन कहे दिन नरोत्तम दास। बोले देखते देखते बोले ऐसे करते करते जैसे उन्होंने ऊपर का बताया, बोले राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन वीर समीर और जितनी भी उन्होंने लीला स्थली बताई ऐसी जगहों पर भ्रमण करते करते उन लीला का आस्वादन करते करते एक दिन क्या हो मेरा देह उसी रज में मिल करके खत्म हो जाए। बोले ये किसके भाव है? बोले नरोत्तम दास ठाकुर के भाव किसके लिए? बोले उनके लिए। बोले उनको तो प्रेम पहले प्राप्त हो गया, बोले उनको जरूरत क्या थी सब लिखने की? बोले मुझ जैसे साधक के लिए अपना वो प्रेम जिनको जो उनको पहले प्राप्त हो गया था
वो कहाँ छोड़ करके गए? तो बोले इन्हीं कीर्तनों में छोड़ करके गए। बोले लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन कीर्तनों का आस्वादन सिर्फ वही व्यक्ति कर उतना ही व्यक्ति कर सकता है, उतने लेवल में कर सकता है जितनी उसका अधिकार होगा। बोले जितना मेरा अधिकार है मैं इस कीर्तन से उतना ही समझ पाऊंगा, जितना आप लोगों का अधिकार है आप लोग उतना ही समझ पाएंगे, अपने से अधिक हम नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए वो एक और कीर्तन लिख के गए। बोले क्या? बोले हा हा प्रभु लोकनाथ राख पद द्वंदे कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि चाह यदि हैया आनंद। बोले हे लोकनाथ, अपने गुरुदेव से कह रहे हैं, बोले हे लोकनाथ दास मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे हमेशा अपने चरणों के पास ही रखना, निकट ही रखना। बोले क्यों? मनोवांछा सिद्धि तवे हव पूर्ण कृष्ण एथाय चैतन्य मिले सेथाय राधा कृष्ण। बोले मनोवांछा सिद्धि तवे हव पूर्ण कृष्ण, तभी तभी ये मनोवासना पूरा होगा, तभी ये कृष्णा हमारी पूरा होगी। बोले एथाय चैतन्य मिले सेथाय राधा कृष्ण, कहते जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु पर श्री राधा कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु है। बोले एही तीन संसार बोले आर केह नाही कृपा करी नीचे पद तले देह रड़ाई। कहते इस त्रिभुवन संसार में हमारे गुरु जी के बगैर जगत में कोई है नहीं जो कि अतीत अतीत व्यक्ति को जो उद्धार कर सके। बोले बोले एक मुझ जैसे के लिए क्या देकर गए? बोले वो तीनों चीज देकर गए, जिस अवस्था में मैं हूँ, जिस अवस्था मुझे प्राप्त करना है, और वो कैसे प्राप्त करना है वो भी अपने कीर्तनों में देकर गए। बोले एकमात्र साधन क्या है? बोले एकमात्र गुरुनिष्ठा, गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के उपदेश को अपने जीवन में धारण कर पाना, यही एकमात्र वो क्या बोले उसको प्रोसेस लक्ष्य है कि हम उस प्रेम को प्राप्त कर पाए। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है उस प्रेम को, जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु इस कलयुग में अवतार लिया, उस प्रेम को उन्होंने बड़े साधारण तरीके से अपने उन कीर्तनों में छुपा करके गए। बोले जिसका जितना अधिकार होगा, जिसकी जितनी गुरु निष्ठा होगी वो उस प्रेम को प्राप्त करेगा। मेरी भी उनके चरणों में प्रार्थना है कि मैं भी कभी जो गुरुदेव जिस भाव को प्रदान करने के लिए आए, जिस चीज को गुरुदेव इस जगत में देने के लिए आए, कभी मैं उसके लायक हो पाऊं और कभी उस चीज को मैं धारण करके अपने गुरुदेव की मनोवांछा को पूर्ण कर पाऊं। वांछा जो इन्होंने भजन गा ना, एक भजन नहीं ऐसे बहुत सारे भजन उनकी, इसलिए प्रभुपाद ने बताए देखो, इसलिए हम लोग अगर हिंदी भजन गा लेते ना इसलिए गा लेते हैं, बाहर का लोग है मंगला भजन समझेंगे नहीं इसलिए, लेकिन रोज है ना ये भजन को गाना चाहिए अब तक हृदय से है, धीरे धीरे कोशिश करना उसको समझने के लिए। देखा कि भजन में कितनी अच्छी भावना है, देख लिया कितनी अच्छी भावना, अगर इसको हृदय से अगर पढ़ोगे ना इसको अच्छी तरह से आपको जरूर कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए जरूर इनकी कीर्तन को रोज बढ़ा कर गौरांग बोली इनकी भजन है। इसलिए जब ये आ रहे थे महापुरुष से मिलने के लिए, महापुरुष अंतर ध्यान हो गए और उसको सुने ना इतने विरह में, इतने विरह में रोए, एक उनको एक विरह में एक भजन है। इसलिए भजन बड़ा अद्भुत भजन है, कहते अगर ये सर को पीट पीट करके छोड़ डालूंगा, आज प्रवेश कर प्राण को त्याग दे दूंगा। बोले क्यों? बोले गौरांग धुनर निधि को था दिल बाबू, कहाँ जाने वालों महाप्रभु उनको परिकर कब हमें मिलेंगे, इनकी विरह के बगैर ये प्राण को मैं त्याग दे दूँ, अद्भुत अद्भुत है। इसलिए आज इनकी जन्मतिथि और उनको शरीर कैसे छुड़ा, ऐसे नहीं इनकी शिष्य लोग उनको स्नान करा रहे थे, जैसे शरीर में मल मल करके स्नान कराते हैं ना, इसलिए उनको शिष्य लोग उनको मल मल करके स्नान करा रहे थे पानी में, और स्नान करते जब मल रहे थे ना अपने आप शरीर पानी में मिलते जा रहा था, ऐसे मिलते जा रहा था, मिलते 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 उनको शरीर को है, जैसे मल मल कर करते करते अपने आप शरीर को खत्म हो गया। बोले शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने, ये जड़ शरीर को उन्होंने छोड़े नहीं, क्यों? राधा कृष्ण की नित्य लीला में ये चंपक मंजरी है, वो अपराकृत दिव्य है। महाप्रभु बताए ना महाप्रभु का जो प्रेम का ही अवतार श्री नरोत्तम दास ठाकुर, केवल शरीर को स्नान कराते कराते अपने आप शरीर पानी में मिल गया और उन्होंने अपना राधा गोविंद की महाप्रभु का नित्य सेवा में चले गए। इसलिए आज ये महापुरुष का जन्मतिथि है, हम इनसे प्रार्थना करते हैं उनने ग्रंथ रूप में जो देख रहे गए हैं रोज रोज जो भजन को हम गाते हैं, जैसे एक दिन वो जो चीज हमें देना चाहते थे सचमुच से वो चीज अगर हमें जीवन में प्राप्त हो गई, समझना हमारा जीवन हमारी धन्य हो जाएगा। ठीक है।
बोले श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। बोले श्री सचिदानंद गौर हरि की जय। पिताजी गौर प्रेमानंद। आप कुछ बोले कल बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय जय जय।